नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता दें कि यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। वीना कुमारी मीणा को प्रमुख सचिव किया गया नियुक्त। प्रमुख सचिव गन्ना एवं आबकारी को मिली जिम्मेदारी। अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी होंगे रिटायर्ड। आलोक कुमार को मिली रसद विभाग की जिम्मेदारी। वहीं आपको बता दें कि प्रभु नारायण को गन्ना आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। नवीन कुमार बने प्रभारी राहत आयुक्त। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें प्रशासनिक फेरबदल किया गया है यूपी में और कई जो अधिकारी हैं उनका फेरबदल हुआ है। जिसमें आपको बता दें कि वीना कुमारी मीणा को प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ प्रमुख गन्ना सचिव भी बदले गए हैं। अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी होंगे और वहीं आलोक कुमार को मिली रजत विभाग की जिम्मेदारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें कई अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो बदली गई है और कई जो है अधिकारियों के कार्यभार भी बदल दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मामला फतेहपुर के चोरगरा चौराहे का है, जहां भारी बारिश के बाद चौराहा तालाब में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि यूपी की पहली बारिश ने ही प्रशासन की पोल खोल दी है। वहीं से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आलम यह है कि राहगीर गंदे पानी में चलने को मजबूर है। फरुखाबाद में थाना राजपुर क्षेत्र के कतलूपुर के पास ट्रक और ट्रोली ट्रैक्टर की जो है भिड़ंत तो हो गई। आपको बता दें वहीं इस हादसे में एक की मौत हो गई और आधा दर्जन से भी अधिक लोग ट्रैक्टर ट्रोली सवार जो थे वो घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। खत्म हो गया आपके कौन है? मेरे पिताजी थी। क्या नाम था इनका? ब्रजवर सिंह अग्रवाल था। कितनी उम्र थी? लगभग 12 साल उम्र थी। किससे टक्कर हुई थी? ट्रक और ट्रैक्टर से। कहाँ जा रहे ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर लेके मतलब ये जलालाबाद से मूंगफली बेच के अपने घर जा रहे थे। घर जा रहे थे? ट्रैक्टर कहाँ हुई है? ये गाँव का नाम हमें नहीं पता। कुतलूपुर। हाँ, कुतलूपुर। किससे हुई टक्कर? ट्रक और टाइम पे हुई थी। छह लोग घायल हैं और पंजना भर दिया पुलिस ने। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक युवक की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने यह खुलासा किया था कि वे चोरी की नियत से घुसे थे और उन्होंने सिर्फ युवक को सबक सिखाने के लिए उसके साथ मारपीट की थी। फिलहाल युवक की मौत के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ भी लगातार जारी है। वहीं मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। छह 2023 को थाना खोड़ा क्षेत्र के एक पीआरवी से सूचना प्राप्त हुई कि परवेज नामक एक 23 वर्षीय युवक जो कि मुस्तफाबाद लोनी का रहने वाला है, उसको वंदना विहार थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी के शक में पीटा गया है। पुलिस द्वारा जब सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी की गई तो ये पाया गया कि वंदना विहार में रहने वाले 42 वर्षीय संजय, जिनकी बेटी से ये परवेज पूर्व से परिचित था, इनके द्वारा एवं इनके अन्य परिजनों संजय के अन्य परिजनों के द्वारा परवेज को पीटा गया है। उसके बाद जब परवेज को अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा इसे मृत घोषित कर दिया गया है। परवेज के परिजनों से
सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र में मूसा चौराहे में पुरानी रंजिश को लेकर कोटेदार उदयराज यादव ने युवक पर पेट्रोल डालकर जान से मारने की कोशिश की गई। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूझबूझ से युवक की जान बचा ली गई है। वहीं पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि दबंग कोटेदार ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी उसके द्वारा अभी भी लगातार दी जा रही है। तो आपको बता दें कि दिन दिहाड़े जो है एक युवक पर हमला किया जाता है जिसमें उसको पेट्रोल से जिंदा जलाने की जो है वो कोशिश की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि राहगीरों की वजह से और आसपास जो लोग मौजूद थे उसकी वजह से युवक को बचा लिया गया। लेकिन दबंग जो युवक है उसकी दबंगाई इतनी है कि वो अभी भी युवक को लगातार जान से मारने की धमकी उसके द्वारा दी जा रही है और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है और जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए इस युवक को दिन दिहाड़े रोड पर पेट्रोल डालकर जो है जलाने की कोशिश की जा रही है और जिसमें जो आसपास के लोग हैं वो उस व्यक्ति को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और जिसकी वजह से उसकी जान बचाई गई। वहीं आपको बता दें कि जो ये युवक है उसकी दबंगाई इतनी है कि वो अभी भी पुलिस प्रशासन का उसे किसी प्रकार का डर नहीं है। वो लगातार अभी भी युवक को जान से मारने की धमकी उसके द्वारा दी जा रही है। जो कोटेदार है उसके द्वारा मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जानलेवा हमला किया गया है और उसके साथ में बबलू, अंदीप, मनोज चार पांच लोग थे जो पेट्रोल छिड़क कर फूकने की कोशिश किया गया। पुलिस प्रशासन इसे संज्ञान में ले उदय रात द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, फिर जान से मारने की धमकी दी गई कि तुम्हें दो दिन के अंदर मार दिया जाएगा। इसे मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन इसे संज्ञान में ले। तो आपको बता दें ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें युवक के द्वारा लगातार जो है कोशिश की जा रही है, युवक को दिन दिहाड़े मारने की कोशिश की जा रही है और जिसमें कि आपको बता दें जो पीड़ित युवक है उसके द्वारा पुलिस प्रशासन से इस मामले को संज्ञान में लेने की मांग की गई है और साथ ही उसने पुलिस प्रशासन से जल्द इस मामले को दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। वह युवक को अपनी जान का जो है वो डर सता रहा है क्योंकि आपको बता दें लेकिन इस बीच ये बात अभी तक भी साफ नहीं हो पाई है कि आखिर किस कारण ये विवाद हुआ और क्या आपसी रंजिश है जिसको लेकर ये जो युवक है वो पीड़ित को मारने का प्रयास कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में केवल एक युवक ही नहीं उसके साथ अन्य लोग भी हैं जो कि इस मामले में मिले हुए हैं। दीप इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि संवाददाता हैं सिद्धार्थनगर से। तो दीप सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर क्या आपसी रंजिश है या फिर क्या मामला है जिसके कारण युवक को जान से मारने की जो है लगातार कोशिश की जा रही है। जी मैं आपको बता दूं इनकी पुरानी रंजिश है घर को लेकर, घर वालों से कुछ, और ये दोनों भाई मूसा चौराहे पे गए थे सब्जी लेने के लिए। अचानक ये उदय राज और उनके घर के लोग इन पर हमला कर देते हैं, मारपीट करते हैं इनके साथ, और उन्हीं के साथ एक आदमी गैलन में पेट्रोल लेकर उसके ऊपर फेंकता है और माचिस लेकर जलाने की कोशिश करता है, पूरी तरीके से जानलेवा हमला करता है। लेकिन वहां पे कुछ लोग जो है बीच बचाव करते हैं, उसके हाथ से माचिस छीन लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला जाता है लोगों के समझाने पर। और ये लोग जो चोटिल होते हैं आते इटवा थाने पे तहरीर देते हैं, लेकिन कल शाम का मामला है, अभी तक इटवा पुलिस ने ना ही उनको गिरफ्तार किया ना ही किसी गंभीर धारा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर के कार्रवाई करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस जो है कोई भूमिका निभा रही है उनको बचाने को लेकर, इसमें पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी कि इस तरीके से किसी के ऊपर बीच बाजार में पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश करना ये बहुत ही गलत बात है और इसमें जिले के अधिकारियों को जिम्मेदारी के तौर पर देख कर कार्रवाई करना चाहिए। जी दीप लगातार जानकारी मिल रही है कि अभी भी जो है उस युवक के द्वारा जान से मारने की धमकी जो है वो युवक को दी जा रही है, तो क्या इसमें उसको किसी भी तरीके से प्रशासन का कोई डर नहीं है, क्या आप कोई मिलीभगत का मामला है?
जी बिल्कुल, ये मिली भगत का ही मामला सामने आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पे वीडियो दिख रहा है जिसमें वो लोग उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे हैं, माचिस जला के जलाने की कोशिश करते हैं जो लड़के हैं, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद भी प्रशासन जो है सख्त नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही से कहीं कोई बड़ी घटना होती तो इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के लोग ही होंगे। जी दीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके के बाईपास पर असामाजिक तत्वों ने एक गाड़ी को रोककर माहौल खराब करने की कोशिश की। बता दें कि गाड़ी में पशुओं की खाद दिल्ली ले जाई जा रही थी और उसमें मीट समझकर गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर सहित अन्य लोगों को जमकर उनकी पीट कर उनको घायल कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया गया। खबर जालौन के खंड विकास आवासीय परिसर से है, जहां एक कटखरे कुत्ते ने आतंक मचा रखा है। बता दें कि कटखरा कुत्ता 12 घंटों में 12 से ज्यादा लोगों को शिकार बना चुका है, जिससे कि लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि आवारा कुत्ते ने झपट्टा मारकर लोगों को लहूलुहान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का तांता लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के ओरछा राम राजा सरकार पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने झांसी गल्ला मंडी रोड स्थित बैंकर्स कॉलोनी निवासी गौरीशंकर द्विवेदी आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शिष्य मंडल से मुलाकात भी की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वो सनातन धर्म को संगठित करने के लिए संकल्पित हैं। इसको लेकर उनकी भारत यात्रा अनवरत चल रही है और उन्होंने यह भी कहा कि भारत के विचारों, भारत की संस्कृति, भारत की भावनाओं को संगठित कर रहे हैं। उन्होंने राजनीति में जाने वाले सवाल पर कहा कि वो राजनीति पर भरोसा नहीं करते, करोड़ों को अध्यात्म जोड़कर वो राजनीति में क्यों जाएंगे। देश में पूरी दुनिया जब भी कोई बदलाव की बात उठाता है, क्रांति की बात उठाता है और सबके एकता की बात उठाता है, जो अन्य जो विघटन की रोटियां सेंकते हैं वो स्वभाव उसमें हो जाता है। खैर इनसे घृणा नहीं चले, सतमार्ग पर चले, राम जी के मानस को उठा लीजिए, राम जी यात्रा पर चले, रामड़ा हो मारी अनवरत यात्रा चले पूरे देश में। अभी हम पूरे भारत में हम भारत की संस्कृति, भारत के लोगों को, भारत की भावनाओं को, भारत के विचारों को संगठित कर रहे हैं और बस ध्येय और संकल्प एक ही है। फतेहपुर के कोतवाली बिंदगी क्षेत्र में शंकर नगर मुगल रोड में ट्रक और बाइक सवार में भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि बाइक में दो लोग सवार थे जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंद की भेजा गया। वहीं आपको बता दें कि जहां पर चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल फतेहपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं ट्रक चालक और खलासी ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस फरार ट्रक चालक और खलासी की तलाश कर रही है। किसका लुकआउट था? चलिए अब सीधा रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। श्री रमेश चंद बिंद जी, श्री विनोद सोमकर जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि यहां पर इन गरीबों के लिए आवास के लिए भूमि सुरक्षित हो सके, ऐसे श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी,
हमारे माननीय विधायक कांड श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, प्रवीण पटेल जी, बालसपति जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री के पी श्रीवास्तव जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री त्रिभुवनाथ भारती जी और प्रयागराज के मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, एक साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से अमीनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का जाली वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनकी अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक एक आवास प्राप्त हुआ है उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। पहले के 76 आवास है लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आसियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं, ये अपने आप एक फैसले है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है, ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है, ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की संस्कृति की धारा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा वे भी अपने माध्यमों से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आसियाना बनाकर के मौका आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में नया विश्वास पैदा करेगा। ये सुशासन की वसूलत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले देश के अंदर रखी थी, उत्तर प्रदेश में इसे हम लोगों ने 9 वर्षों से निरंतर प्रयास करते करते विगत 6 वर्षों के अंदर उसका एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है। भाइयों बहनों अभी यहां पर देशों की बोल रहे उन्होंने दो महत्वपूर्ण चीजों के लिए कहा, एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर यहां पर बनना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर का मतलब वहां पर 10,000 लोगों का भी कार्यक्रम हो सकता है और अगर 5,000 के कार्यक्रम होने हैं तो 2 बड़े कार्यक्रम वहां अलग हो सकते हैं या 2,000 में भी 2,000 के लोगों के कार्यक्रम भी होने एक साथ वहां पे संपन्न हो सकते हैं और साथ साथ वहां पे हर प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, बड़े से बड़े कार्यक्रम से लेकर के सामान्य कार्यक्रमों की इससे भी अच्छा कन्वेंशन सेंटर। और मैं यहां प्रयागराज विकास प्राधिकरण से कहूंगा
पत्ता इसका डीपीआर बना करके लैंड चिन्हित करके इस कार्यक्रम का हमारे आपकी आवश्यकता है। हम लोग आज विकास के दिन में प्रतिमा में प्रस्थापित कर रहे हैं, वह आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, एक और विकास और समय केंद्रों अपने आप को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना और दूसरी का विरासत का सम्मान। दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पर स्थापित किया। प्रयागराज में आज भी महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। तमाम का विमान शास्त्र आज भी एक नई प्रेरणा बना हुआ है और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इस दिशा में आगे और क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में हो सकते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ विकास प्राधिकरण और लोकल मंडलायुक्त और इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।